उसके बाद हम आ जाते हैं कॉर्ड के केस में। कॉर्ड का केस समझना बड़ा इजी है। जब आपने टेंजेंट का केस समझ लिया ना, तो कॉर्ड आपको मसला नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कॉर्ड क्या होता है? टेंजेंट का रेसिप्रोकल, मतलब कॉस ओवर साइन। इस केस में हमने बोला था कॉस जीरो नहीं होना चाहिए, इस केस में हम बोलेंगे कि साइन जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो ना हो आपका। वो आप देख सकते हो, साइन क्या होता था? वाई वैल्यू होती थी, और वाई वैल्यू कहाँ पे जीरो होती है? एक्स एक्सिस पे जीरो होती है। तो वाई वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, इस पॉइंट पे जीरो होगी, और आप घूमते रहो। लेट से अभी एंगल आपके पास, अगर कोई लाइन इसके ऊपर ही हो तो एंगल क्या बनेगा? जीरो बनेगा। अब ये पूरा एंगल लेट कर लो, शुरू में पॉइंट यहाँ पे था तो एंगल जीरो था, अब ये पॉइंट पूरा ट्रेवल करते हुए इस जगह पे आ गया, अब एंगल क्या होगा? ये पूरा एंगल पाई के बराबर होगा, मतलब 180 डिग्री। तो यहां पे भी ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसमें वाई वैल्यू क्या होगी? जीरो के बराबर होगी वाई वैल्यू। उसके बाद दोबारा इस एंगल को आप यहां तक बना लो, ये पूरी फुल रोटेशन होगी, एंगल हो गया 2π। 2π पे भी आपको साइन क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। इसी तरह दोबारा घूम लो, 3π हो जाएगा। 3π पे भी साइन वैल्यू आपको क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। तो आप गौर से देखो, आपको साइन वैल्यू कहां कहां जीरो मिल रही है, जीरो, पाए, 2π, 3π, और करते करते आप आगे तक जा सकते हो। ये पॉजिटिव एंगल है, नेगेटिव की तरफ चले जाओ। लेट से यहाँ पे जीरो था, आप इस तरफ जाओ, अभी क्या हो जाएगा? माइनस पाए। फिर आप इस तरह पुट करो, ये हो जाएगा माइनस 2π, मतलब क्लॉकवाइज में आप जाओ। तो आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इन सब पे वाई वैल्यू जीरो मिल रही है। वाई का मतलब साइन वैल्यू जीरो मिल रही है, और साइन वैल्यू जीरो मिल रही है, इसका मतलब है कॉर्ड जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप कैलकुलेटर में लिखोगे तो एरर आ जाएगा। तो किन वैल्यू पे आपको कॉर्ड अनडिफाइन होगा? इन वैल्यूज पे। अगर आप ये वैल्यूज कॉर्ड के अंदर, अच्छा, कॉर्ड को कैलकुलेटर में लिखने का तरीका ये है कि लेट से अगर आपने कॉर्ड, लेट से क्या लिख दिया मैंने, पाई निकालना है आपने, तो कैलकुलेटर में आप लिखोगे 1/tan π, क्योंकि कॉर्ड का बटन नहीं होता कैलकुलेटर में, तो आप 1/tan π इस तरह लिखोगे। तो जिस तरह भी लिखो, ये भी चीज़ कॉर्ड के बराबर ही है ना पूरी। तो जब कैलकुलेटर में आप ये चीज़ लिखोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा, क्योंकि पाए जो है ये शामिल नहीं है, क्योंकि जब आप पाए पुट करोगे तो आपके पास मैथ एरर आ जाएगा। तो अगर आप कॉर्ड के अंदर कोई भी इनमें से वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास मैथ एरर आ जाएगा। तो जब हम कॉर्ड के डोमेन जब हम लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि कॉर्ड के डोमेन सब रियल नंबर है, कॉर्ड के डोमेन सब रियल नंबर है सिवाय इन नंबर्स के। और ये नंबर क्या है? n π/2, और इसमें n क्या आपके पास? इवन इंटीजर है। इवन का मतलब ये आपके पास पाई बाय टू है ना, तो इवन इंटीजर कौन से? जीरो को भी हम इंटीजर, जीरो को भी हम इवन नंबर कहते हैं, बाय द वे शायद कम लोगों को पता है, जीरो भी इवन नंबर में ही शुमार होता है। तो इवन इंटीजर कौन कौन से? आप जीरो पुट करो, आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर आप इसके बाद इवन नंबर क्या आएगा? टू, टू से टू कैंसिल, आपके पास क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। फिर टू के बाद इंटीजर फोर, टू से टू कैंसिल, यहाँ टू आ जाएगा, मतलब आंसर 2π हो जाएगा आपके पास। तो जब आप इवन इंटीजर पुट करते जाओगे तो ये वैल्यूज आती जाएंगी, 0π, 2π, ये आपको दिखने में लग रही है, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव में भी आप जा सकते हो, 0, अगर आप नेगेटिव 2 पुट करो तो यहाँ माइनस पाई आ जाएगा, नेगेटिव 4 पुट करो तो माइनस 2π हो जाएगा। तो ये पूरी चीज़ जो है ना, ये इस सेट को शो कर रही है, n π/2, और जिसमें n क्या है? इवन इंटीजर है। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ कि कॉर्ड के डोमेन सब रियल नंबर है सिवाय इन नंबर्स के। अगर आप रियल नंबर में से इन नंबर्स को हटा दो तो बाकी जो भी नंबर बचेंगे वो सब क्या होंगे? कॉर्ड की डोमेन होंगे। रेंज किस तरह समझोगे? अच्छा, डोमेन वैसे ही देख लो, sec थीटा क्या होता है? 1/cos θ के बराबर होता है। अगेन, अगर फ्रैक्शन आ जाए तो उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मैथ के अंदर आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो कॉस जीरो कहाँ होता है? जैसे टेंजेंट का केस था ना, उसमें भी कॉस को जीरो नहीं आप करना चाह रहे थे, सेक के केस में भी यही होगा। तो कॉस कहाँ कहाँ जीरो होता है ये आपने फाइंड किया हुआ था, पाई बाय टू पे, 3π/2, 5π/2 आपने फाइंड किया हुआ है। तो जो डोमेन टेंजेंट की होगी ना, वही सेक की होगी, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? कॉस आ रहा है, और इसको आप जीरो नहीं करना चाह रहे, जीरो किया तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो जो टेंजेंट की डोमेन थी, जो मैंने डिटेल से समझाई थी, वही आपकी जाएगी। और जो आपने कॉर्ड की निकाली थी, कॉर्ड क्या था? कॉर्ड का पूरा नाम कोटेंजेंट होता है, ये साइन आ रहा था, और कोसेकेंट की भी वही होगी, क्योंकि कोसेकेंट के डिनोमिनेटर में भी क्या आ रहा है? साइन आ रहा है। तो दोनों केस में आपने साइन को जीरो नहीं करना था, मतलब ऐसे नंबर शामिल नहीं करने थे डोमेन के अंदर जो साइन को जीरो कर दें। तो साइन को जीरो, मतलब साइन को जीरो कौन से नंबर करते थे? ये वाले,
जो इवन इंटीजर जिसमें होता था, मतलब पाए, टू पाए, थ्री पाए, इसी तरह नेगेटिव पाए, नेगेटिव टू पाए, तो जो इसकी डोमेन होगी वही कोसेकेंट फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। असल मसला ही इसका क्या है, रेंज का है, कि सीकेंट और कोसेकेंट की रेंज क्या होगी। इनकी रेंज बड़े मज़े की है, अगर आप इनके ग्राफ देखो ना तो वो तो और आपको मज़े के लगेंगे। अगर आप सीकेंट का ग्राफ देखो, मैं ऐड भी कर दूंगा वीडियो में, तो आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। वो कब मिलते जाएंगे, ये सीकेंट का ग्राफ होता है ऐसा। तो ग्राफ में आप गौर से देखो, अच्छा ये कब बढ़ते जाएंगे आपके, ये लाइन क्यों बनाइए, ये लाइन है पाई बाय टू, ये है थ्री पाई बाय टू। आपको पता है कि सीकेंट जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है, जब एन ऑड है, ऑड मतलब वन थ्री पाई, तो यहाँ पे ये आपको अनडिफाइन होता है, तो इसलिए मैंने एक लाइन बना दी। जब भी अनडिफाइन होता है तो आपके पास एक लाइन बन जाती है, जिसको हम एसिम्प्टोट बोलते हैं, ठीक है। ये बेशक ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बनाओ, ये लाइन इधर जा रही है, लेकिन लाइन कभी मिलेगी नहीं। अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो ये ग्राफ ना इसके बिल्कुल पास होगा, लेकिन कभी मिलेगा नहीं। तो अगर आप गौर से देखो, इन जो कप्स बने हुए इनको आप एक्सटेंड कर दो जहां तक लेके जाना चाह रहे हो। मैं जब ग्राफ लगाऊंगा तो आप देख लेना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको जितना ऊपर कर दो, इसी तरह इसको भी जितना ऊपर करना कर दो, नीचे वाला भी इतना ही ऊपर हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखो, अभी हम निकाल क्या रहे हैं, अभी हम रेंज निकाल रहे हैं, और रेंज क्या होती है, ये जो वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं। तो जरा आप गौर से देख के बताओ, सीकेंट की रेंज, लेट से अगर मैं इसको वन बोल दूं और इस पॉइंट को मैं माइनस वन बोल दूं, तो अब जरा गौर से देख के बताओ कि सीकेंट की रेंज क्या होगी। सोच लिया, सीकेंट की रेंज आपको ग्राफ से भी देखने में पता चल रहा है कि ये जो वन, ये पूरा रीजन जो है और ये माइनस वन का रीजन जो है, इसके दरमियान आपको कोई ग्राफ नजर नहीं आ रहा। वन और माइनस वन के दरमियान कोई ग्राफ नजर नहीं आ रहा आपको। इसका मतलब है कि सीकेंट के केस में वन और माइनस वन के दरमियान कोई वैल्यू नहीं आपको मिल रही, क्योंकि वैल्यू तभी मिलेगी ना जब ग्राफ होगा, ग्राफ भी मौजूद नहीं है। जो हमारा कॉस का केस था, साइन का केस था, उसमें आपको यही मिलती थी ना वैल्यू, ऐसे ही ग्राफ बनता था आपके पास। सही नहीं है क्योंकि थ्री पाई बाय टू नहीं होगा, वैसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपका वन और माइनस वन के दरमियान ही वैल्यूज होती थी, क्योंकि आपका ग्राफ ही वन और माइनस वन के दरमियान है। लेकिन इस केस में अगर आप गौर से देखो तो आपका ग्राफ जो बन रहा है वो वन और माइनस वन के दरमियान नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है सैक के केस में आपको वन तो वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि देखो ग्राफ वन के ऊपर है, इसी तरह ग्राफ माइनस वन के ऊपर है। वन और माइनस वन तो वैल्यू मिल जाएगी सैक के केस में, लेकिन इनके दरमियान कोई वैल्यू नहीं आपको मिलेगी। सीकेंट केस में आपको वन मिलेगी या वन से ग्रेटर मिलेंगी सारी, देखो ग्राफ सारा ऊपर तक है। इसी तरह या तो माइनस वन मिलेगी या माइनस वन से सारी लेस वैल्यूज मिलेंगी अगर आप नीचे चले जाओ। तो मैंने किस तरह लिखा हुआ है, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ऑल रियल नंबर्स ये ग्रेटर देन वन और इक्वल टू वन, इक्वल टू वन भी मिल रही है ना आपको, ग्राफ वन के ऊपर है। इसी तरह एंड लेस देन और इक्वल टू माइनस वन, देखो माइनस वन से सारी लेस है और इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन के इक्वल भी है ग्राफ, ठीक है। तो ये सीकेंट का ग्राफ है, आप ग्राफ से देख के समझ सकते हो कि सीकेंट की रेंज क्या मिलेगी आपको, क्या वाई वैल्यूज मिल सकती है। वन से या तो बड़ी मिलेंगी या माइनस वन से छोटी मिलेंगी, या आपको वन मिलेगा या माइनस वन मिलेगा। वन और माइनस वन के दरमियान कोई वैल्यू नहीं आपको मिलेगी। ठीक है, और अगर मैं आखिरी चीज बस बता दूं, और वो क्या है, कोसेकेंट। कोसेकेंट का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो कोसेकेंट का ग्राफ इस तरह की बनेगा, क्योंकि कोसेकेंट जो है वो जीरो पे अनडिफाइन होगा ना, जीरो ये होता है, तो इस तरह आपको वाई एक्सिस मिलेगा और उसके पास है आपके पास है कर्व होगा। इसी तरह ये पॉइंट आपका पाई हो जाएगा, तो अगेन आपको नीचे भी मिल जाएगा ऐसी, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ से भी गौर से देखोगे तो ये वैल्यू लेट कर लो आप वन के बराबर है, और ये वैल्यू लेट कर लो माइनस वन के बराबर है। जो कोसेकेंट का ग्राफ है, मैं लगा दूंगा तस्वीर, वो भी वन पे है, मतलब ग्राफ पे एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू वन है, ये वाला पॉइंट है, या जितने भी वैल्यूज हैं वो वन से ग्रेटर हैं। इसी तरह ग्राफ पे एक पॉइंट है जिस पे आपको वैल्यू माइनस वन मिल रही है, लेकिन उसके बाद जितनी वैल्यूज मिल रही है वो माइनस वन से कम पे मिल रही है। वन और माइनस वन के दरमियान आपको ग्राफ नजर नहीं आएगा। तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, सब रियल नंबर्स मिल रहे हैं आपको जो ग्रेटर देन वन है या वन के बराबर है, इक्वल टू वन। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू माइनस वन, लेस देन मतलब वाई एक्सिस पे आपको जितनी वैल्यूज मिल रही हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, जो भी वैल्यूज मिल रही हैं, ये माइनस वन से लेस है या आपको माइनस वन मिल रही है,
इस पॉइंट पे आपको माइनस वन मिल रही है और बाकी जितनी वैल्यूज हैं वो लेस देन माइनस वन मिल रही है। तो वन और माइनस वन के दरमियान कोई वैल्यू नहीं है कोसेकेंट के केस में। तो जब वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है वो रेंज में शामिल भी नहीं है। ये इसकी रेंज है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, लेस देन और इक्वल टू माइनस वन। तो गाइस बहुत डिटेल से मैंने आप लोगों को टॉपिक समझा दिए, उम्मीद है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन रेंज का, छोड़ना नहीं इसको, कर लेना भाई वरना नुकसान उठाओगे आगे जाके। तो अब जो टॉपिक है हमारा उस पर हम आ जाते हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पीरियड।